Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we'll be discuss about laser pumping. तो स्टूडेंट जैसे हम लेजर के बारे में करते हैं तो लेजर में सबसे पहले होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अटेन होनी चाहिए और पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्चुअल में क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम है वो हायर जो स्टेट होगी उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन गेन करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ते हैं वो होती है लेजर पंपिंग। तो आज हम लेजर पंपिंग है उसको डिटेल में करेंगे। द प्रोसेस बाय विच द एटम आर रेज्ड टू द लोअर फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड लेजर पंपिंग। तो एक्चुअल में लेजर पंपिंग है वो एक तरह से एक प्रोसेस है जिसमें ग्राउंड स्टेट से हम एटम है उनको कहाँ लेके जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट पे लेके जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो गेन करते हैं। एट द थर्मल इक्विलिब्रियम द लेवल फर्स्ट इज मोर populated than the level 2, therefore the absorption will predominate than the stimulated emission. जब हम thermal equilibrium की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो number of atom है वो ground state में क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, या हम कह सकते हैं कि level जो first है उसमें number of atom है वो क्या होंगे ज्यादा होंगे as compared to excited state. इसलिए जो absorption की जो chances होंगे वो क्या होते हैं dominate करते हैं as compared to stimulated emission. ठीक है, stimulated emission कब होगा जब number of atom है वो आपकी क्या है higher state है उसमें ज्यादा है, वहां से वो क्या इसमें transition करेंगे आपके ग्राउंड स्टेट में करेंगे। फॉर द लेजर एक्शन द पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल एंड द डीपॉपुलेशन ऑफ द लोअर लेवल इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज द एक्युमुलेशन ऑफ द टू मेनी एटम्स एंड द आयन इन द लोअर लेवल विद ड्रास्टिकली रिड्यूस द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड द लेजर वुड नॉट वर्क। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ग्राउंड स्टेट में एटम और आपके एक्साइटेड स्टेट में एटम है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन के थ्रू एटम्स को कहां पे भेजा है, हायर स्टेट में भेजा है। अब हायर स्टेट से वो क्या होते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हमें क्या देते हैं लेजर प्रोड्यूस करते हैं। अब लेजर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, अब वो ग्राउंड स्टेट में आ गए तो हम एक तरह से एक बैलेंस रखना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में और डीपॉपुलेशन है हमारे ग्राउंड स्टेट की वो एक तरह से बैलेंस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे एटम है वो सारे ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो हमारे एमिशन के लिए नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट है उसमें नहीं बचेंगे, और नहीं अगर वो वहां पे नहीं बचेंगे तो फिर लेजर एक्शन है वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि भाई ऊपर जो स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स है वो तो ज्यादा होगी और नीचे जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या है नंबर ऑफ एटम है वो कम होंगे, तो उस केस में भी ऐसा ही होगा कि आपको दोबारा फिर एक तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन गेन करने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट होगी। तो वो बीच में जो टाइम पीरियड होगा उसमें क्या हो जाएगा आपका एक लेजर एक्शन है वो एक तरह से वर्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से एक डिसकॉन्टिन्यूटी है वो हम फेस करेंगे। इस तरह से एक तरह से दोनों जो लेवल्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से बैलेंस होनी चाहिए तभी जाके जो लेजर है वो एक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर द लेजर एक्शन टू द टू लेवल सिस्टम। और की सेम डिफिकल्टी है वो दो लेवल जो हम बात करते हैं उनके अंदर हम फेस करते हैं टू लेवल सिस्टम के लिए। टेक्निक्स यूज फॉर द पंपिंग, अब पंपिंग है उसके लिए एक तरह से आप एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो ग्राउंड स्टेट के एटम्स को और वो क्या कर रही है एक हायर जो स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम उनको भेज रही है। अब जो ये एनर्जी आप प्रोवाइड कर रही हो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हम यूज कर सकती हैं। जैसे हम कहीं एक्साइटेशन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ द लाइट, कोई लाइट सोर्स आप यूज कर सकती हो, और इस टाइप की जो पंपिंग होती है उसको हम ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन बाय द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट इसको हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग कह सकते हैं। एक्साइटेशन by the chemical reaction इसको हम chemical pumping कहेंगे। The excitation by the mean of the supersonic gases expansion gas dynamic pumping इसका name होगा exact and injection of the carrier by the electrical field। ठीक है, तो ये different five categories हैं जिसके through हम क्या कर सकते हैं एक तरह से pumping है वो produce कर सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर मैथमेटिकल हम बात करते हैं तो कंसीडर द टू लेवल सिस्टम ऑफ सिस्टम एंड एन नोट इज द टोटल पॉपुलेशन व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी द कांस्टेंट एंड एन टू एंड एन वन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अपर एंड लोअर लेवल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो एन नोट है वो टोटल नंबर ऑफ एटम है, एन टू है वो नंबर ऑफ एटम है हमारे हायर स्टेट में, और एन वन है वो क्या है नंबर ऑफ एटम हमारे ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, एंड अगर हम एन नोट हम टोटल नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि n1 plus n2 है वो हमें क्या देते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो n1 plus n2 is equal to n0, उसके बाद हम क्या कहेंगे minus delta n is equal to n2 minus n1। ठीक है, और अगर हम इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस की बात कर रही हैं तो नंबर ऑफ एटम है वो क्या है n2 minus n1 is equal to minus delta n है। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक बार ये एडिशन में है एक बार ये सब्ट्रैक्शन में है, इन दोनों की हेल्प से हमने क्या कर दिया इन दोनों से n1 and n2 है वो फाइंड आउट कर लिए। तो n1 आप क्या कहोगे कि n0 प्लस
डेल्टा एन डिवाइडेड बाई टू एंड एन टू इज इक्वल टू एन नोट माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई टू हो गया। ठीक है, तो इंडिविजुअली अब यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में कितनी है और नंबर ऑफ एटम हमारे एक्साइटेड स्टेट है वहां पे कितनी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द अपर लेवल इज गिवन बाई डेल्टा डी एन टू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी वन टू एन टू माइनस एन वन ई म्यू माइनस एन टू एन नीचे क्या आ जाएगा आपका टो आ जाएगा। ठीक है, अब ये टो है वो यहाँ पे क्या है ओवरऑल टाइम डिके। ठीक है, मतलब टोटल जो हम डिके टाइम की बात करते हैं वो हम टो से रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद बी वन टू इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट द एटम विल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड बाय एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में जो एब्जॉर्प्शन की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो एक तरह से वन टू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकंड जो स्टेट है नंबर ऑफ एटम्स है उनके रेट की अगर हम बात करेंगे तो वो इन दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर हम ऐसा करते हैं एन टू की वैल्यू पुट करते हैं तो एन टू की वैल्यू हम ये यहाँ से पुट कर रहे हैं, एन टू की वैल्यू हम पुट करेंगे तो बेटा क्या है एन नोट हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम है वो कॉन्स्टेंट है। आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये वाली जो टर्म है वो एन नोट डिवाइडेड बाई टू हमें क्या देगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस वन बाई टू डी डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डी टी और बाकी जो भी टर्म है यहाँ भी हमने एन टू की वैल्यू पुट की है और ये जो टर्म है यहाँ भी हमने क्या किया है एन टू की वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद फाइनल फॉर्म में हमें क्या मिलेगा माइनस वन बाई टू डी डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डी टी बी वन टू एंड डेल्टा एन ई म्यू माइनस एन नोट माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 बाई 2 है थ्रू आउट हम कॉमन ले लेंगे और हमने इसको क्या कर दिया एक अरेंज कर दिया डेल्टा एन की फॉर्म में, हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया और ये टर्म बच गई हमारी यहाँ पे एन नोट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी स्टेडी स्टेट की बात कर रही हैं स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि मतलब हम रेट की बात करते हैं नंबर ऑफ एटम है वो एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो चेंज नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि डी डिवाइडेड बाई डी टी और साथ में डेल्टा एन दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। कोई भी रेट है वो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये अगर हम चीज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्ट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को अगर हम जीरो लेते हैं तो यहाँ से इन्होंने क्या कहा कि डेल्टा एन इज इक्वल टू एन नोट डिवाइडेड बाई वन प्लस टू वन बी वन टू ई म्यू एंड साथ में क्या है आपका टू। ठीक है, अब यहाँ से हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लेते हैं कि ये वाली जो टर्म है हमारी इन्फिनिटी को टेंड्स कर रही है मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस केस में अपना क्या हो जाएगा कि ये वाला जो नीचे जो टर्म है ठीक है इन्फिनिटी प्लस वन इज इक्वल टू नियरली इन्फिनिटी हो गया अपना तो ये चीज क्या हो जाएगी ये भी पूरा फैक्टर अपना क्या हो जाएगा इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा और अगर ये इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा एन दैट विल टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर हमारा इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है तो वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। अब बेटा डेल्टा एन अगर जीरो हो गया तो एक तरह से जो डेल्टा एन है वही डिफरेंशिएट करता है हमें एन वन एंड एन टू की वैल्यू जो हमने कहा था। अब यहाँ पे ये भी चीज हो जाएगी डेल्टा एन भी जीरो हो जाएगा और ये भी चीज जीरो हो जाएगी तो यही चीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या दे रही थी एन वन एंड एन टू। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एन वन इज इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू एन नोट डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या हुआ कि एन नोट टोटल नंबर ऑफ एटम थे जो कि एडिशन था आपका एन वन प्लस एन टू का तो अब वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द टू लेवल लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकेंड देयरफॉर द टू लेवल सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर द लेजर फॉर द ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की हम बात करते हैं कि हाइयर स्टेट में नंबर ऑफ एटम है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी टू लेवल सिस्टम में अगर हम बात कर रही हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि भाई टू लेवल सिस्टम है उसमें मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन उसमें मतलब लेजर एक्शन पॉसिबल है या नहीं है और अगर नहीं है तो फिर रीजन क्या होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो मतलब एक तरह से डिफिकल्टी हम फेस करेंगे कि एन वन एन टू इज इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू एन नोट डिवाइडेड बाई टू हो गया। ठीक है, उसके बाद है द पंप पावर एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द मटेरियल टू मेंटेन ए गुड पॉपुलेशन डिफरेंस डेल्टा एन बिटवीन द टू लेवल इज गिवन बाय। अगर हम पंप पावर की बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो इन्होंने क्या कहा वो कैसे दी जाएगी कि डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा बी वन टू ई म्यू एंड डेल्टा एन। ठीक है, उसके बाद आप डेल्टा एन की वैल्यू है वो यहाँ से पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगी बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। डेल्टा एन की वैल्यू क्या थी आपकी एन नोट डिवाइडेड बाई वन प्लस टू बी वन टू ई म्यू एंड आपका क्या है टू। ठीक है, इक्वेशन थर्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर हम उसी तरह से कहेंगे कि अगर ये वाला जो फैक्टर है बी वन टू ई म्यू
तो ये हमारा ग्रेटर देन वन है, तो हम इस वन को इग्नोर कर सकते हैं, ये वाली टर्म हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब ऊपर जो फैक्टर है इसमें से जो भी रिलेटिबल है वो हमारे क्या है कैंसल आउट होते हैं, तो हम उनको कैंसिल कर देंगे और जो फाइनल हमें बचेगा वो क्या होगा, डीपी डिवाइडेड बाई डीवी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा एंड नॉट डिवाइडेड बाई टू टो, ठीक है, ये इक्वेशन फोर्थ होगी। और यहां से हम क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे थे तो आपका क्या है एक तरह से एन नोट फिक्स हो गया, तो जो वेरिएबल जो चीज है वो अपनी क्या है टो है, द पंप पावर आल्सो डिपेंड अपॉन द डिकी टाइम टो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंप पावर है वो डिकी टाइम के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, और अगर वेरिएबल है तो वो किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। तो एक तरह से डिपेंडेंसी है पंप पावर की किसके ऊपर, डिकी टाइम है उसके ऊपर। सिंस फ्रॉम द अपर लेवल द बोथ रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कैन बी पॉसिबल, ठीक है, अपर लेवल है उसमें नंबर ऑफ एटम है तो पॉसिबिलिटी है वो हमारी रेडिएटिव ट्रांजिशन की भी हो सकती है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की भी हो सकती है। देयरफॉर द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द अपर लेवल कैन बी गिवन बाई, अब अगर हम अपर लेवल के रेट ऑफ चेंज पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि वो क्या हो जाएगी, डी एन टू डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई टो, ठीक है। अब वो टो है वो इन्होंने क्या कहा, वो कॉम्बिनेशन है आपका रेडिएटिव का भी हो सकता है नॉन रेडिएटिव का भी हो सकता है, ठीक है। वन डिवाइडेड बाई टी स्पॉन्टेन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी नॉन रिलेटिव, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी फिफ्थ होगी। With T spontaneous is the lifetime of the upper level in the radiative transition and the T non radiative is the lifetime of the upper level in the non radiative transition. Sorry. और इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट एन टू इज इक्वल टू, अब अपना क्या हो जाएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन अगर हम इसका कर देते हैं तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा, अब अगर हमने क्या कि ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट एन टू टी इज इक्वल टू एन टू जीरो एंड एक्सपोनेंशियल माइनस टी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, इक्वेशन क्या होगी सेवन होगी, मतलब एक तरह से एन टू जीरो का मतलब क्या है एक तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एन टू टी है वो किसी टाइम पीरियड के ऊपर हम बात कर रही हैं वो क्या है आपकी एन टू टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो वेरिएशन है वो टी इज इक्वल टू जीरो के साथ क्या है एक तरह से एक्सपोनेंशियली वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। The power emitted by the spontaneous emission at the time t is given by pt is equal to n to t h cross omega divided by t spontaneous, ठीक है, यहाँ हम n to t की वैल्यू है वो पुट करेंगे, h cross omega as it is रहने देंगे and n to zero and v और साथ में क्या हो जाएगा exponential आपका क्या हो जाएगा minus t divided by 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि v is the volume of the material है, यहाँ पे फ्लोरोसेंस क्वांटम यील्ड, फ्लोरोसेंस क्वांटम यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से रेशियो है नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम इनिशियली प्रेजेंट इन द अपर लेवल या फिर हम कह सकते हैं स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाइव इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी और ये आपका क्या हो जाएगा पी टी डी टी एंड डिवाइडेड बाई एच क्रॉस ओमेगा, नीचे क्या है आपका एन नोट एन टू जीरो और साथ में क्या है वी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है जो पी टी की जो वैल्यू है हमने यहाँ कहा था पी टी इज इक्वल टू की जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो हमने क्या करना है वहां पे पुट करना है, ये वैल्यू पुट करोगे और जो टाइम डिपेंडेंट पोर्शन है वो हम क्या करेंगे इधर इंटीग्रेशन उसके अंदर रख के चलेंगे, ठीक है। तो वन डिवाइड बाई टी स्पॉन्टेनियस और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ से ये कम्प्लीट मिलेंगी हमारी एक्सपोनेंशियल टी डिवाइडेड बाई टो इन डी टी इज इक्वल टू टो डिवाइडेड बाई टी स्पॉन्टेनियस, ये हमारे फाइनल इक्वेशन नंबर क्या है सेवन जो कि हमें क्या दे रही है क्वांटम यील्ड दे रही है। द मेजरमेंट ऑफ द टाइम डिके टो एंड द क्वांटम यील्ड फाइव गिव द टी स्पॉन्टेनियस हेंस द टी नॉन रेडिएटिव, ठीक है। और तो मतलब एक तरह से अगर हमें टो की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसके कोरिस्पोंडिंग टी स्पॉन्टेनियस एंड टी नॉन रिलेटिव है वो भी हम क्या कर सकते हैं उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दो जो वर्ड आपके लिए जो थोड़े से नए थे वो रेडिएटिव ट्रांजिशन एंड आपका क्या है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेडिएटिव ट्रांजिशन में क्या होगा, द रेडिएटिव ट्रांजिशन इज द वन इन विच द एनर्जी रिलीज्ड एज अ फोटोन, ठीक है। आपका क्या होता है कि दो लेवल्स की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है जब
ग्राउंड स्टेट से कोई भी चीज है वो क्या जाती है, एक्साइटेड स्टेट में जाती है, और एक्साइटेड स्टेट से जब कोई भी एटम है वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज की जाती है, ठीक है। अब वो एनर्जी चाहे हम एब्जॉर्ब की बात करें या फिर एनर्जी रिलीज की बात करें, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है जितना उन दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा बेटा कि रेडिएटिव ट्रांजिशन इज द वन इन विच द एनर्जी रिलीज एट द फोटोन, ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब एक तरह से जब हम एमिशन की बात कर रही है या ट्रांजिशन की बात कर रही है तो उसमें क्या है कि एनर्जी जो रिलीज होगी वो एक तरह से फोटोन की फॉर्म में होगी, और द ऑप्टिकल डिवाइसेस आर ऑपरेट ऑन द रेडिएशन ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब एक तरह से लाइट की फॉर्म में आपको एनर्जी है वो फाइनली मिलेगी, ठीक है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन उसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इन विच द ट्रांजिशन अकर विदाउट द फोटोन एनर्जी गोज इन समवेयर एल्स एंड मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी उसमें क्या होगा कि मतलब फोटोन की फॉर्म में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो एनर्जी तो रिलीज होगी वो फिर किसी और फॉर्म में रिलीज हो सकती है, और आप एग्जांपल दे सकते हो इसका किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था बस आपका लेजर पंपिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और जो टाइप ऑफ पंपिंग जो मतलब टेक्निक्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं, उसके बाद हमने रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन किया है। आई जस्ट होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।